लोकेश हैं, हमारे चैनल कंसेप्ट बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आज हमारे लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में से एक है, क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगी को रफ्तार दी है। हमारा एक जगह से दूसरी दूर दराज जगहों में जाना बहुत ही आसान कर दिया है। हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीजल इंजन के बारे में, कि डीजल इंजन का आविष्कार कब, कहाँ और किसने किया था। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डीजल इंजन का आविष्कार एक जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने सन 1897 में किया था। हालांकि इससे पहले भी इंजन बनते रहे हैं, परंतु इससे पहले जो इंजन बनते थे वो सभी भाप वाले इंजन होते थे। पहला डीजल इंजन 1897 में बना था। इसे रुडोल्फ डीजल द फादर ऑफ डीजल इंजन बीजी ने कहा जाता है, उन्होंने इसे बनाया था। फ्रेंड्स, रुडोल्फ डीजल जो हैं, इनका जन्म 18 मार्च 1858 में पेरिस में हुआ था। इनके माता पिता एलिस डीजल एंड एडोर डीजल, जो कि एक लेदर उत्पादन करता थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। और रुडोल्फ डीजल ने अपनी स्कूलिंग एक जर्मन फ्रेंच स्कूल से की थी। 1870 में रुडोल्फ डीजल को उनके माता पिता ने अपने एक मित्र के पास जर्मनी भेज दिया था, ऑक्सनबर्ग। जब रुडोल्फ डीजल 14 साल के थे, तब उन्होंने अपने माता पिता को खत लिखकर इंजीनियर बनने की इच्छा को जताया था, परंतु उनके माता पिता ने इसे गंभीर रूप से नहीं लिया था। उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने जर्मन के इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज म्यूनिख में, रुडोल्फ डीजल को टाइफाइड फीवर होने की वजह से वह 1879 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए थे, उन्हें 1 साल का गैप लेना पड़ा था। फाइनली 1880 में 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया था। इसके बाद रुडोल्फ डीजल ने अपना पहला डीजल इंजन बनाने के बारे में सोचा था, और वह जब इसे बना रहे थे तब इंजन टेस्टिंग के दौरान इंजन फट गया था, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने की वजह से रुडोल्फ डीजल मरते मरते बचे थे, उन्हें काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। इस हादसे में डीजल की सारी मेहनत जलकर राख हो गई थी, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और आखिरकार वह फिर से अपने काम में लग गए। और काफ़ी कोशिशों के बाद डीजल ने पहला डीजल इंजन 1897 में बना लिया था, जो कि एक सक्सेस डीजल इंजन रहा था। फ्रेंड्स, यह इंजन आज भी जर्मनी में डेस्टन टेक्निक म्यूजियम इन म्यूनिक में रखा है, परंतु इसके चलते साल 1913 में 19 सितंबर को रुडोल्फ डीजल की डेथ हो गई थी, जो कि आज तक एक रहस्य है, क्योंकि उस दौरान वह एक शिप पर सफ़र कर रहे थे जो कि नॉर्थ सी में था। यह आज तक मिस्ट्री है कि उनका जो डेथ थी वो एक सुसाइड थी या फिर मर्डर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।